आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर के अन्न धन में बरकत बनी रहती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी का नाम चंदा था। चंदा का स्वभाव भोला था। वह घर में दरिद्रता के साथ रहती, फटे वस्त्र पहनती, टूटे बर्तनों में भोजन बनाती, खाती वे सबको खिलाती, बच्चों को गंदा रखती, घर में गंदगी रखती, साफ सफाई बिल्कुल ना करती। इस बात से साहूकार बहुत नाराज रहता था। वह चंदा को बहुत समझाता लेकिन वह बिल्कुल कहना ना मानती। चंदा में बस एक ही अच्छी आदत थी कि वह हर रोज भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने मंदिर जाती। इसके अलावा उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी। एक दिन लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई और वह उसके पास पहुंच गई। अंधेरी रात थी। चंदा हाथ में दिया लेकर गली में से जा रही थी। रास्ते में उसे लक्ष्मी जी मिल गई और बोली, बहन ठहरो, मुझे भी दिए का प्रकाश दिखा दो। और अब वह दोनों दिए के प्रकाश में बातें करती हुई जाने लगी। लक्ष्मी जी ने चंदा से कहा, क्या हम दोनों सहेली बन जाएं? चंदा ने कहा, बन जाओ। और इस तरह वो दोनों बातें करती हुई आगे बढ़ गई। इतने में चंदा का घर आ गया। जब वह अपने घर में जाने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, क्या मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? चंदा ने कहा, ठीक है, आ जाओ अंदर। लक्ष्मी जी अंदर गई तो देखा घर में चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता का वास है। लक्ष्मी जी ने कहा, चंदा, घर की क्या दशा कर रखी है? आओ हम दोनों मिलकर घर को संवारते हैं। चंदा बोली, मुझे तो काम करना आता नहीं, तुम बताती जाना, मैं घर का काम करती जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह तुम्हारे घर आऊंगी और जैसे जैसे कहूँ तुम करती जाना। चंदा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी चली गई। सुबह लक्ष्मी जी फिर से चंदा के घर आई और चंदा से कहा, पहले झाड़ू से घर को बुहारो, फिर रसोई साफ करो, नहा कर सुंदर वस्त्र पहनो, बच्चों को नहलाओ, तेल लगाकर अपने वे बच्चों के बाल बनाओ, सब अच्छे से करने के बाद रसोई बनाओ, भगवान को जिमा कर फिर सबको खिलाओ। चंदा ने वैसा ही किया जैसा लक्ष्मी जी ने बताया। फिर चंदा ने रसोई में भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाया और फिर रसोई में बिठाकर सहेली के रूप में आई हुई लक्ष्मी जी को भोजन करवाया। अब लक्ष्मी जी उसके घर में आती और जैसे जैसे चंदा को बताती वह काम करती जाती। अब धीरे धीरे चंदा स्वयं ही सारा काम करने लगी। चंदा के घर का अब सारा रूप ही बदल गया। जहाँ पहले दरिद्रता का वास था वहाँ अब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई और लक्ष्मी जी की कृपा से घर में बहुत धन धान्य हो गया।
साहूकार भी अब खुश रहने लगा। चंदा सोचती, मुझे तो बहुत अच्छी सहेली मिल गई, घर में सब सुख हो गया। चंदा के घर में इतनी धन संपत्ति और बरकत देखकर एक दिन उसकी जेठानी और पड़ोसन पूछने लगी कि इतने कम समय में तुम्हारे इतना सब कैसे हो गया। चंदा ने कहा, लक्ष्मी जी मेरी सहेली हैं, उन्होंने ही हमें इतना धन धान्य दिया है। तब चंदा की बात सुनकर वो कहने लगी, लक्ष्मी जी तेरी सहेली बन गई हैं तो क्या हुआ, वो तो ऐसे ही घर घर आती जाती रहती हैं, तेरे कौन सा पीड़ा डालकर बैठेंगी। उनकी बात सुनकर चंदा को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई तो चंदा ने अपने घर के आंगन में पीड़ा बिछा दिया और कहा कि बहन मेरे घर पीड़े पर बैठ जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, पीड़े पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती। चंदा ने कहा, सहेली बनी हो तो मेरे तो बैठना ही पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी बैठ गई। तब चंदा बोली, मैं बाहर जाकर आती हूँ और जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक तुम जाना नहीं। यह कहकर चंदा अपने पीहर चली गई और वह वापस आई नहीं, लक्ष्मी जी गई नहीं। साहूकार के करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो गई, घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने चंदा साहूकारनी पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, दुख दरिद्रता दूर करना, घर के अन्न धन में बरकत देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।